महूजी शान मददीकी आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को जो है बाज़त बरी कर दिया ये केस क्या था ये केस था एवनफील्ड रेफरेंस केस जायदादों का केस लंदन में मौजूद फ्लैट जिसमें मरीम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ साहब का कहना कि ये फ्लैट्स हमारे नहीं हैं जबकि दूसरी तरफ इनके साहबजादे हसन और हुसैन का कहना कि ये लंदन में मौजूद फ़्लैट्स हमारे हैं नवे की दहाई से ये फ्लैट्स जो है शरीफ फैमिली के पास मौजूद हैं और इस पे जो है नैप ने इंक्वायरी की बहरहाल अब ये अदालत में नैप ने क्या रिपोर्ट जमा कराई जिसमें जो है हाई कोर्ट ने जो है मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को जो है बाइज़त बरी कर दिया जबकि हसन हुसैन नवाज़ ने बाकायदा एक चैनल को बी बी सी को इंटरव्यू में कहा था कि लंदन में मौजूद जो फ़्लैट्स हैं हमारे हैं बहरहाल अब ये नेप की रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है इसमें तो हम अपना कोई ज़्यादा तजिया नहीं दे सकते ना ज़्यादा बात कर सकते हैं बस ये इतना कहूँगा कि इसी अदालत से बल्कि मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान की जेलों में लाखों कैदी ऐसे मौजूद हैं जिनका ना कोई गुनाह है ना उन्होंने कोई जुर्म किया है जाति मुखालफत पर दुश्मनी में या दूसरी किसी वजूहत की बिना पर उनको जो है बेगुना जेलों में कैद किया गया है कई कई सालों से कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि मेरा अक्सर जेलों में जाना होता है कई कई सालों से कैदी मौजूद हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा जुर्म क्या है और बहुत से तो ऐसे कैदी भी हैं जिनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई हैं लेकिन उनको बेचारों को रिहा कराने के लिए जो है लोग मौजूद नहीं हैं या ज़मानत के जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं थोड़े बहुत बहुत पैसों के लिए जो है उनको कई कई साल जेल काटना पड़ती है इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमा दर्ज करके उनको अदालतों के थानों के जेलों के धक्के खिलाए जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि उन गरीब और पाकिस्तानी अवाम को जो है इसी तरह का जो है इंसाफ़ फरहम किया जाएगा ताकि वो लोग भी अपनी जो है अदलिया के मशहूर हों इसके अलावा मैं बात करूंगा क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मुश्किल है इस फैसला आने के बाद ख़त्म हो गई है तो यकीन ये मुश्किल ख़त्म नहीं हुई है महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने जो है नैप को एक खत लिख दिया है उस खत में जो है महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने जो है नैप से जो है तमाम तफसीलत तलब की हैं जिसमें महकमा एंटी करप्शन ने कहा कि पचास करोड़ से ऊपर के केस जो है अब जो है जाहिर सी बात है नैब देखेगा और उससे कम के जो केसेस होंगे नैब नहीं देखेगा तो वो एंटी करप्शन ने देखना है तो अब महकमा एंटी करप्शन ने जो है नैब से जो है इन केसेस की जो तफसील मांगी है क्योंकि पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वज़ी अली चौधरी परवेज़ इलाही वज़ी अली पंजाब हैं तो लगता यह है कि अब पंजाब और वफाक इस केस पे आमने सामने होंगे बहरहाल मुझे ये मसला इतनी आसानी से हल होता नज़र नहीं आ रहा महकमा एंटी करप्शन पंजाब अब इस केस में मज़ीद क्या पेशर करती है और क्या चीज़ें सामने लाती है बहरहाल ये वक्त पे पता चलेगा कि एंटी करप्शन कितनी सख्त और क्या कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकती है जो वो इस्लाम हाई कोर्ट में भी जाहिर सी बात उनको पेश होना पड़ेगा अगर कुछ शवाहद या कुछ दीर चीज़ें अगर पंजाब हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन पंजाब लाने में कामयाब हो जाती है तो बहरहाल अब इसका फ़ैसला अदालत एंटी करप्शन और भी करेगी अब मैं बात करता हूँ इमरान ख़ान साहब की इमरान खान साहब की जो एक मकबूलियत है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है इमरान खान ने जब अपनी सियासत का आगाज़ किया क्योंकि इमरान खान साहब के कुछ करीबी दोस्त आ, मेरे भी बहुत से दोस्त हैं तो उनसे जब अक्सर बात होती है तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने जब अपनी सियासी जद्दोजहद का जब आगाज़ किया तो इमरान खान साहब तब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाते थे तो उन दोस्त के मुताबिक मैंने खान साहब को कहा खान साहब आप, आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं और इनसे हमें क्या मिलेगा हमें तो आम वहाँ के पास जाना है हमें वोट और सपोर्ट उनसे मिलेगी लेकिन इमरान खान साहब ने कहा यही यूथ है यही यूथ है जो आगे चल के जो है मुल्क का मुस्तबिल संभालेगी और वो शायद बीस साल पुरानी बात मेरे दोस्त ने मुझे बताई लेकिन अब मैं आज की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब पंजाब और दीगर सूबों में जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और वहाँ यूथ को वो कईल कर रहे हैं वो यूथ को बता रहे हैं कि हमें किस तरह गुलामी से जो है निजात हासिल करनी है हमें किस तरह से जो है मौरूसी सियासत का खात्मा करना है हमें किस तरह से जो है ख़ानदानी सियासत जो चली आ रही है गुज्त कई दहाइयों से इस सियासत का खात्मा करना है इस यूथ को जो है खान साहब जो है जोश दिला रहे हैं और आगे लाना चाहते हैं और यकीन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे चल के इस मुल्क का मुस्तबिल इसी यूथ ने संभालना है इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं जो अगर बात करूं कि हुकूमत में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ गई वज़ी ख़जाना इसाक डार साहब पाकिस्तान आ गए वजारत ख़जाना का उन्होंने हलफ उठा लिया लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि एक तरफ ये हुकूमत इमरान खान साहब से लड़ रही है इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में जो है अवाम उनके साथ है मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अवाम की अक्सरीत जो है इमरान खान साहब के साथ है तो इस वक्त जो वजीर ख़जाना जो आए मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तानी मीशत को जो है किसी हद तक जो है बेहतर कर पाएंगे ज़द मबादला के अख़ायर जो है तकरीबन आठ अरब पर पहुँच गए हैं इसके अलावा पैंतीस करोड़ डॉलर जो है हमने आई एम एफ़ को इस वक्त एक किस्त दी है जो सिर्फ सूद के मद में गए हैं और इस वक्त जो है हमें कोई आईएमएफ की जाने से कर्ज मिलने की उम्मीद नहीं है तो यकीन इस हुकूमत को महंगाई करना पड़ेगी पेट्रोलियम लिविस में या दीगर जो अशिया है बिजली और दीगर जो एशियाए खुरदनोश है हैं और दीगर जो सारी आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है इस पर यकीन आपके जो है पैसे जो बढ़ेंगे और इससे महंगाई में जो है मजीद इजाफ़ा होगा इसके अलावा मैं एक और बात करूँ कि अब मरीम नवाज़ साहिबा जो है बाइज़त बरी हो गई हैं इमरान खान साहब जो है अभी जो आ नौ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब जो है ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है इन नौ के नौ हलकों में जो है अपने जो है कागजात नामजदगी जमा कराएँ और इमरान खान साहब के मदे मुकाबिल जो है वो आकर इलेक्शन लड़ें ताकि अवाम को जो है मरी मरीम नवाज साहिबा की और इमरान खान साहब की जो है मकबूलीत का अंदाज़ा हो जाए इसमें कोई दो राय नहीं है जो जीतता है उसको तस्लीम किया जाए अगर मरीम नवाज़ साहिबा जीतती हैं इन इलेक्शन में तो बिल्कुल उनको तस्लीम किया जाए और अगर इन नशस्तों पर इमरान खान साहब कामयाब होते हैं तो इमरान खान साहब की जीत को तस्लीम किया जाए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरिक इंसाफ का एक ही नुकता है एक ही पॉइंट है जिस पर वो एहतजाजी जलसे जुलूस और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कि मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतबात करवाए जाएँ इमरान खान साहब अक्सर जलसे जुलूसों में आ, कहते हैं कि मैं आज ऐलान करूंगा आगे का कर लाल बनाऊंगा मार्च का कहते हैं धरनों का कहते हैं लेकिन कुछ ताकतवर हल्कों की जानब से उनको यकीन दहानी करा दी जाती है कि मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतबात करवा दिए जाएंगे तो इसकी वजह से इमरान खान साहब शायद अपने ये जो एहताज और धरनों की कॉल है मुलतवी कर देते हैं इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा मसला जो किसान इस वक्त इस्लामाबाद बैठे हैं किसान जाहिर सी बातें जब किसानों पे महंगे इतने लाखों रुपए के बिजली के बिल डीज़ल महंगा पेट्रोल महंगा खाद महंगी तो एहतजाज तो किसानों का हक है और पूरा मन एहताज जो है हर किसी का हक है वो करने देना चाहिए किसानों का एहतजाज भी जो है मुस्लिम लीग नून के लिए जो है एक परेशानी का बायस बना हुआ है आ, मीडिया पे उसकी कवरेज भी नहीं दी जा रही क्योंकि जाहिर सी बात बातें मीडिया क्यों दिखाएगा और इसके पर से पर्दा क्या है सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि मीडिया ये तमाम चीज़ें नहीं दिखाएगा क्योंकि ये दिखाने से जाहिर सी बात है इस हुकूमत की बहुत सी चीज़ें ऐसी आ, सामने आएंगी पता चलेगा कि ये हुकूमत जो है बेहतर डिलीवर नहीं कर पा रही है इसीलिए हज़ारों की तादाद में जो है किसान इस्लामाबाद में इस वक्त भी जो है मौजूद हैं अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं आम इंतबात जो मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी एहसन इकबाल साहब का भी एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सैलाब और बारिशों के बाईज जो मुल्क में जो तबाहकारियाँ आई हैं इसको संभालने में या इसको दुरुस्त करने में तकरीबन दो साल लग जाएंगे क्या वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन दो साल के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ और दो साल तक वो इकतदार में रहें तो अब मुझे मुश्किल लगता है अब मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखात होने चाहिए और जिसकी जो है अक्सरीत है उसको जो है हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए मुझे लगता है अगर ये आम इंत हो जाते हैं तो इमरान खान साहब जो है दो तहाई अक्सरीत जो है लेने में कामयाब हो जाएंगे और अगर इमरान खान साहब ने यकीन जो मुझे लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है अवाम में इमरान खान साहब को ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अवाम में इतने पॉपुलर हो जाएंगे जितना उनके खिलाफ जाल बिछाया जाएगा जितना उनको परेशान किया जाएगा उतना उनकी मकबूलीत में इजाफ़ा होता जाएगा तो इमरान खान साहब अगर दो तहाई अक्सरीत से कामयाब हो जाते हैं तो वो कौमी असम्बली में जो है मज़द बिल्स पेश करेंगे और कानून में जो तरमीम के ज़रिए ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन और इस तरह के केसेस का खात्मा करने के लिए जो सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और यकीन ये कानून पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे इसके अलावा मैंने बताया कि मारूफ सहाफ़ी यूट्यूबर और एंकर कॉलम कौ, निगार इमरान रियाज खान का जो है यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है इमरान रियाज खान ने ये जो है ट्वीट किया उसमें उन्होंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है उस यूट्यूब चैनल पर इमरान रियाज खान के तकरीबन तीस लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद थे जो हैकर है उसने जो है इमरान खान की तमाम जो उन्होंने वीडियोस जो बनाई थी उसको डिलीट कर दिया और अकाउंट का नाम तब्दील करके मारू करप्टोकरेंसी एथेरियम रख दिया है तो ये था मेरा आज का तजिया उम्मीद करता हूँ कि मेरा तजिया आपको पसंद आएगा और मज़द वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें इंशाल्लाह नई तजदियाँ फिर हाजिर होते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़